फाइनेंस कंपनी दे कर्मचारी ने अपने नाल लुट दी वारदात होण दा नाटक रचिया पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिता। गुरदासपुर दे हलका डेरा बाबा नानक दे कस्बा कलानौर दे नेड़े पैंदे शहूर कलां दे विच इक फाइनेंस कंपनी दे कर्मचारी ने अपने साथियों दे नाल मिलके ऐ सारा नाटक रचिया सी, पर उसका यह नाटक ज्यादा देर तक चल ना सकिया क्योंकि पुलिस ने उसनू अते उसदे साथियों नू काबू कर लिया। गुरदासपुर तो अज की आवाज़ के लिए इंद्र मोहन सोडी की रिपोर्ट। मिती 3/1 बचन प्रीत सिंह वालों एक इनफॉर्मेशन दी गई सी कि मैं फाइनेंस कंपनी में काम करदा तो यह कलानौर तो डेरा बाबा नानक दे एरिए कलैक्शन करके अपनी कंपनी गुरदासपुर जमा करा तो रोजाना की तरह मैं कलैक्शन करके तो शहूर कलां के लागे जब मैं 5:30 पुजा तो 3 नौजवान मोटरसाइकिल से जिन्हें मूँह बन्ने हुए वो आके उन्होंने मेरी जी अमाउंट कट्ठी की हुई 1,70,000 समथिंग समेत मेरा मोबाइल फोन मेरी किट खो के लै गए से संबंध में FIR दर्ज करके आप जी डूंघाई के नाल जी इन्वेस्टिगेशन की होर भी जो जो टेक्निकल स्टाफ की सोर्सा की मदद के नाल मुकदमा जरा अज ट्रेस कर लिया। ये आप निर्मल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह वासी करतार नगर बटाला, गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरलाल सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह पिंड बंका थाना भिखीविंड, बचनप्रीत जिहड़ा मदई सीगा मुकदमे का, बचनप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी वार्ड नंबर 11 नीयर दाणा मंडी पट्टी जिला तरन तारण नूं अज जिहड़ा सबजाबता गिरफ्तार करके इन्हां पासों खोई हुई रकम जिहड़ी आ 90,080 रुपए ते मौके तो खोया हुआ वीवो फोन समेत वारदात विच वरत्या हुआ मोटरसाइकिल जिहड़ा ओह रिकवर कर लिया। तो कल नूं इन्हां दे संबंध विच जिहड़ी होर भी आपां पुछगिछ डुंघाई ना करांगे, कल नूं मानयोग अदालत पेश करके इन्हां दा होर रिमांड हासिल करके इन्हां दी प्रॉपर बैकग्राउंड जिहड़ी आ ओह चैकअप करके तो जे इहदे विच कोई होर वाधा होगा तो वो खुलासे किए जाएंगे। तो इदा के जोड़े है आंसर आ उन्होंने नत्त पा के जी आम जनता हैगी वास्ते जरा माहौल सिखाव जरा प्रसान किया जाएगा। हाँ जो दो है ने इन के खिलाफ जी FIR दर्ज ने, एक तो जरा निर्मल सिंह है ये खिलाफ 207 नंबर मुकदमा है सिविल लाइन बटाले जी, वो लड़ाई का हैगा। जरा गुरप्रीत सिंह खिलाफ़ भी जरा एक मुकदमा 101 नंबर 2019 का वह भी लड़ाई का मुकदमा दर्ज है। दोनों मुकदमे जोड़े आए अंडर ट्रायल ने, ते बाकी जी बचनप्रीत जरा ये बारे भी जरा बरीकी छानबीन करके मुतलका थाने तो रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। नहीं इन्हों को हथियार कोई नहीं बरामद होया जी, बाकी जे कोई होर खुलासा होगा तो बारे दसया जाऊगा जी।